एक फाइल कॉपी प्रोग्राम देखते हैं। इसमें आपको करना क्या है, हम मान लीजिए एफ गेट सी जानते हैं, एफ गेट सी फंक्शन क्या करता है, एक एक कैरेक्टर फाइल से उठाता है, रीड करता है। इसी का काउंटर पार्ट होता है एफ पुट सी। ये क्या होता है कि जो जो आपने रीड कर किया है, जो जो आप इसके अंदर देंगे कैरेक्टर, वो आपके फाइल में जाके लिख देगा। अब जो प्रैक्टिकल यूज है इस कैरेक्टर इनपुट आउटपुट फंक्शन का, जैसे एफ गेट सी एफ पुट सी है, आप एक फाइल के कॉन्टेंट उठा के दूसरे में डाल सकते हैं, यानी यहां से उठाइए एफ गेट सी और यहां जाके एफ पुट सी कर दीजिए। अब इसको अगर देखना चाहेंगे तो एक प्रोग्राम में लिखते हैं इसको। हमने हैश इंक्लूड किया stdio.h, ये मेन है। फाइल पॉइंटर है fs और ft। ये fs जो है, s आपने कहा सोर्स, t कहा आपने टारगेट। आपने एक कैरेक्टर ले लिया यहाँ पे और उसके बाद आपने कहा कि इसको ओपन करिए, जो भी आपका नाम हो फाइल का। यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोई pr1.c है। आपने कहा यदि मैं ओपन नहीं कर पाया इसको, या फिर कंपाइलर ओपन नहीं कर पाया, सिस्टम ओपन नहीं कर पाया fs को, तो आप बोलिए कि देखिए साहब ये ओपन नहीं हो पाएगी, कोई ना कोई समस्या है, बाहर आ जाइए। इसके बाद आप दूसरी फाइल खोलिए जो जहां पर आपको कंटेंट लिखना है, एक से रीड करना है एक पे लिखना है। इसको ओपन करिए एफ ओपन और एफ टी को देखिए, अगर एफ टी ना लाता है तब भी आप बोलिए कि ये जो टारगेट फाइल है इसमें लिखा नहीं जा सकता, इसको क्लोज कर दीजिए, बाहर आ जाइए। उसके बाद जब वाइल वन कर दीजिए इंडेफिनेट लूप, क्योंकि हम वैसे भी एंड ऑफ फाइल पढ़ने वाले हैं। अब क्या करिए, ये जो सोर्स फाइल है एफ गेट सी, एक एक करेक्टर सोर्स फाइल से पढ़िए, यानी कि ये सोर्स फाइल है, ये आपका डेस्टिनेशन फाइल है, टारगेट फाइल है। पहला करेक्टर यहां से उठाया इससे, उसके बाद आपने हर एक करेक्टर उठाते उठाते ये चेक किया हर बार कि कहीं एंड ऑफ फाइल तो नहीं है। मान लीजिए आप यहां पर पहुंच गए और एंड ऑफ फाइल है, तो आप बाहर आ जाएंगे, आप यहां नहीं राइट करेंगे, यहीं पे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप एंड तक नहीं पहुंचे, आप यहीं पर है इस जगह पे है, तो आप क्या करेंगे, एफ पुट सी कर देंगे, मतलब यहां का कॉन्टेंट जो अभी यहां से पड़ा था वो उठा के एफ गेट सी से यहां रख देंगे। बस ये करना, इस सी एच को उठा के एफ टी में रख देंगे, फिर दोनों फाइल पॉइंटर क्लोज कर देंगे आप। ओके, इस तरीके से हम एक जगह की चीज दूसरे में लिख सकते हैं।